मैं विश्वास को और उनकी वाइफ प्राची को बहुत सालों से जानता हूँ, साथ में काम भी किया है। जब ये अपना कॉन्सेप्ट लेकर मेरे पास आए थे तो मुझे बहुत ही फनी लगी कहानी बाबा ब्लैक शीप की, और आज मैंने गाने सुने तो बहुत ही कमाल के गाने शान और सुपर्बिया ने पेश किए हैं, और मैं वेट कर रहा हूँ कब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो। मनीष पॉल के साथ आई हैव ऑलवेज सीन हिम एज एन एंकर और एज एन एक्टर, अच्छी जोड़ी बनेगी। मैं जब भी किसी का बाप बनता हूँ किसी की फिल्म में तो वो आमतौर पे हिट होती है, ऐसा मैंने सोचा है और ऐसा मुझे लगता भी है, और बाबा ब्लैक शिप भी इसी कामयाब फिल्मों में से एक होने वाली है। कहीं ना कहीं सर आजकल फिल्म इंडस्ट्री बाबाओं के ऊपर बहुत अटैक कर रही है। हाँ, इसमें ऐसा कोई बाबा नहीं, इसमें जो नहीं, इसमें बाबा जो है वो ब्लैक शिप है ऑलरेडी। तो आपने एक फिल्म क्यों साइन की और क्या वजह थी? मैंने बताया मेरे दोस्त बना रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा रीजन वो था, और कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, उसकी कलाकार अच्छे हैं, म्यूजिक अच्छा है, यही रीजन होते हैं कहानी फिल्म साइन करने के। अंकुर सर आपने इतनी इंडस्ट्री में वक्त दिया हर तरह के रोल, और कहीं ना कहीं अभी एक्शन आपकी आ रही है, बेबी फिल्म आ रही है, और अब कहीं ना कहीं इसमें आप पिता का रोल, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को आप हर तरह का फ्लेवर दे रहे हो, इंडस्ट्री के रोल भी आपको उसी तरह बना रहे हैं। मैं अपना काम करता हूँ, फिर बाकी भगवत गीता में लिखा कर्म किया जा फल की इच्छा मत कर, और ये मुझे बचपन से सिखाया गया है। मैं अपना काम करता हूँ और इसी करते करते 30 साल निकाल लिए, पूरी उम्मीद है कि अगले 30 साल भी निकल जाएंगे आसानी से। आपने पिता का रोल किया, विलेन का रोल किया है, कॉमेडी भी किया, एक्शन भी किया है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग क्या सिंगिंग की तरफ जाता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी सिंगिंग कर रहे हैं और आप भी कहीं दिमाग जाए? मैं उतना अच्छा नहीं गाता जितना अमित जी गाते हैं, मेरी कोशिश है, कभी कभी दिल करता है गाने का, पर मैं बाथरूम से बाहर ड्राइंग रूम में भी गा लेता हूँ। कोई अच्छा, मैं विश्वास साहब से कहूँगा कि मुझे, और शान साहब से कहूँगा कि मुझे एक गाना गाने को दें, जिस तरह के इसमें गाने हैं, इंटरेस्टिंग गाने हैं, एटलीस्ट मुझे पास करके फेल कर देना, तो पर अभी तक मौका नहीं मिला गाने का।
एक दो फिल्म में गाया। आपको आवाज कैसी लगती है? कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लग, बचपन से सुन, मेरा मतलब काफी सालों से सुन रहे हैं। नहीं, काफी सालों से अमित जी की आवाज सुन रहे हैं, अच्छी लगती है। नीला आसमान और जो लेटेस्ट उनका शमिताभ का गाना है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गाते हैं। और अब एक नया विवाद हो रहा है, अब आपके सामने बैठे हुए हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म रिलीज हो रही है, कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड ने तो हरी झंडी नहीं दी, आपको क्या लग रहा है जो अभी विवाद चल रहा है मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर? नहीं, आई थिंक जो तीन प्रोसेस है सेंसर बोर्ड के, वो तीनों प्रोसेस को फॉलो किया गया है। एग्जामिनिंग कमेटी ने उसको नहीं दिया, फिर उसके बाद रिवाइजिंग कमेटी ने दिया, तो फाइनली फिल्म जाती ट्राइब्यूनल के पास है, और ट्राइब्यूनल में अगर फिल्म जाती है तो वो एक उसके संविधान में लिखा है उसके सेंसर बोर्ड के कि ट्राइब्यूनल में जाकर ट्राइब्यूनल पास कर सकती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि रीला सैमसन जी किस बात में परेशान है, किस बात से दुखी है, कि वो तो प्रोसेस है, कोई किसी ने पोलिटिकल पार्टी से थोड़ा पास करवाई है फिल्म। एक तरफ से हम फ्री एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उससे पहले बहुत सारी ऐसी फिल्में पास हुई हैं जो विवादास्पद रही हैं। ये फिल्म किसी तीनों दौर से जाना पड़ा, ये तीनों दौर सेंसर बोर्ड की प्रणाली है, कार्य प्रणाली है कि एग्जामिनिंग कमेटी, रिवाइजिंग कमेटी एंड ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल ने पास किया, अगर वो भी नहीं पास होती तो फिर कोर्ट में जाते हैं, मगर तीसरे प्रणाली में पास हुई है, तो इट्स अ वेरी वेरी डेमोक्रेटिक वे ऑफ गेटिंग ए फिल्म पास्ट। हम आपकी फिल्म की बात करते हैं, हाँ, कॉमेडी है, धमाल है, हाँ, और इसमें मजा आएगा। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट कॉमेडी, इट हैज ग्रेट कैरेक्टर्स, और मैंने हालांकि 488 फिल्में कर ली हैं, फिर मैं इसका इंतजार रहता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो पहले जैसा नहीं हो, ये उसमें से एक ऐसा कैरेक्टर। और बाप बेटे का रिश्ता भी इसमें पहली बार इस तरह का बाप बेटे का रिश्ता फिल्म में आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी न्यू ईयर, गणतंत्र दिवस के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, भगवान करे हमारा देश बहुत ही ज्यादा तरक्की करे और शांतिपूर्वक ढंग से विश्व में आगे बढ़ता रहे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं, मैं चाहूंगा कि वो वर्ल्ड कप लेकर वापस आए। वैलेंटाइन के दिन पर सब मोहब्बत करने वालों को, बाप बेटा, माँ बेटा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, सबको बहुत बहुत प्यार। मनीष, क्या आपको लग रहा है इस फिल्म के नाम कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्ट करेगा? यार बिल्कुल करना चाहिए, अभी तक मैंने कई दोस्तों को बताया बाबा ब्लैकशिप, एंड बहुत इंटरेस्टेड है, बड़ा खुश हो रहे हैं सुन के। टाइटल अनयूजुअल लग रहा है, सबको कहते हैं डिफरेंट है, तो आई होप जिस तरह टाइटल अलग लग रहा है, फिल्म भी अलग लगे और लोगों को पसंद आए। एंकर जी, जी बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन कहते हैं किसी को बाप भी बनाओ तो सोच समझ के बनाना चाहिए, और अभी अभी अनुपम जी ने कहा कि वो जिसके भी बाप बनते हैं वो फिल्म अच्छी होती है, उस एक्टर के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो यही प्रे करता हूँ अनुपम सर से बड़ा कुछ सीखने को मिले, और मैं तो लिटरली उनसे बहुत बहुत चीजें शेयर करता हूँ, बहुत चीजें जानता हूँ, कहीं प्रॉब्लम होती है तो उनसे पूछता हूँ, और आज उनसे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, सो आई होप अच्छे से काम करें और फिल्म को एक अच्छे लेवल पे लेके जाए। जी जी जी, नहीं यार इसमें एक्चुअली, हाँ हो रहा है अटैक, तो लोग जिस पे करना चाहते हैं उस पे कर सकते हैं, पर फ्रैंकली हमारी फिल्म का किसी बाबा से और बाबाओं से लेना नहीं है, आप जब देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा एक्चुअली है क्या इसमें, बट कुछ भी बाबाओं का लेना देना नहीं है। यार मैं इतना ही कह सकता हूँ, बड़ा क्लीशेड सा जवाब लगता है, लेकिन इसमें कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, और जैसे कि अनुपम जी और मैं अनुपम जी का बेटा बना हूँ, मेरे फादर है, ये फादर और सन की जो जोड़ी है इसमें कमाल एक रिलेशन है, कमाल एक टाइमिंग है, कमाल मजा करते हैं एक साथ, बहुत अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं, तो वो कहानी का जो है बड़ा हाई पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब से। एक मिनट ये कर लें,